मैं तो जी पहले ही कहंदी सी कि मेरा अमन एहो जिहा काम नहीं कर सकता। ये तो जगतार तो उहदा मुंडा पिछे पए रहिंदे आ। मैनूं तो जी खुशी है कि अमन अपने पैरां ते खड़ा हो गया। अमन नाल गल करके ना मेरा चित हौला हो गया। ये लवली भी उसे मौके घरों गई तो अमन भी उदन ही गया। पर नहीं, अमन ने मैनूं कहा कि बेबे मैं इहो जिहा कोई गलत काम नहीं किया। तुसी की सोची जाते हो? जे हुण पिंड चो किसी ने भी मेरे मुंडे वल उंगल की ना तो मैं मूंह तोड़ जवाब देवांगी। बोलदे क्यों नहीं तुसी? की होया? कुछ नहीं, मैं तो लवली बारे सोच के परेशान हो रहा हूं। पता नहीं कित्थे गई होगी। परेशानी वाली गल तो है, मां बारी धी ने पता नहीं क्यों ये कदम चुकया। चल जिथे भी होवे जी खुश होवे। मेरी गल सुनो जी, भला इन्होंने कोई थाने रिपोर्ट की है? क्यों ना जी, आप ही रिपोर्ट कर दिए। जे मैं रिपोर्ट करवा दिती तो पुलिस ने अमन के बारे भी पूछ पड़ताल करनी है। तो जे सच अमृत को पता लग गया ना, तो जे उन्हें कुछ कर लिया तो मैं अपने आप को कदे भी माफ नहीं कर सकना। होया की है तुहानू? की सोचन लग पैंदे हो? कुछ नहीं, बस इतना ही। चाचा जी छेती चलो बाहर, वो देखो जगतार की कर रहा है, जल्दी चलो मेरे ना। चल अज तुहानू सारिआं नूं बड़े दुख नाले तोहफा देना पै रहा। असीं सोचिआ सी लवली दे विआह दी खुशी दे विच इह तोहफा सारे पिंड वालिआं नूं देवां, पर इह विआह तां हुण हो नहीं सकिआ, जिस करके मैं ते बापू बहुत परेशान। पर बापू ने फिर भी कहा आपां नूं दुख नूं इक पासे रख के पिंड वालिआं दी भलाई लई जो सोचिआ वो तो करना ही चाहिए ना। सारा पिंड बापू जी की औलाद वर्गा है, इसलिए जो असी सोचा सी वो तोहफा तुहाडे सारयां नूं देण जा रहे। यह है तोहफा मेरे वालों पिंड वालियां लई। चाचा जी आईना दानी तो है कि लोगों की भलाई बारे सोचे तो लोगों को टैलीफोन लवा दे पिंड च। सही कहना, जिहड़ा बंदा बच्चों नूं मिलावटी दुध पिया सकता है उते सानूं विश्वास नहीं करना चाहिए। तुसीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो चाचा जी, वो तो अमन नूं पता लग गया तो बच्चे मिलावटी दुध पीने तो नाल ही। तू चिंता ना कर, हुण अमन इत्थे है नहीं आ तो सानूं इत्थे नज़र रखनी पैणी। जिस तरह कि असीं जानते हाँ सरपंच साहब के घर भी टैलीफोन लग्या होया है, सारे पिंड वाले कदों तक इन्हों परेशान करी जाएंगे, तो मैं सारे पिंड वालों लिए साझा टैलीफोन लगवा दिता। हूँ तुम जो चाहो जिथे चाहो गल कर सको। पर जगतार सिंह तू इन्ना सारा इंतजाम छेती करके मिलिया, टैलीफोन लगाने में बड़ा समा लगता है, सौ तरह की कागजी कार्रवाई होती है। तू तौफीक भाई नूं मेरा सुनेहा दे, गल करन दा ओही कोई तरीका कढ़न ते ज्यादा वधिया रहे। दयाल सिंह तू फिर मेरे ते शक करी जा रहा है, लगता तू राजू की गल नूं चंगी तरह सुनिया नहीं। असीं इह सौगात अपनी लवली दे ब्याह ते देना चाहते सां, इस लई असीं सारी कागजी कारवाई पहले ही पूरी कर दित्ती सी। हुण सरपंच साहब इत्थे आ ही गए ने ते टेलीफोन का उद्घाटन भी इन्हां हथों ही होना चाहिए। हाँ जी सरपंच साहब, उद्घाटन तो ताडे हथों ही होना चाहिए है। ठीक है भाई, मैनू इस गल की बड़ी खुशी आ कि जगतार सिंह ने पिंड बारे इन्ना वधिया सोचा है। इस पिंड का सरपंच होने के नाते मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं तो पूरी निगरानी रखा।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰਜਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਗਤਾਰ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਤੌਫੀਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ? ਫਾਰੂਕ ਜੀ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ? ਸੱਚ ਸਬਰ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੀ ਪਤੰਗ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੀ। ਐਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸਾਂ ਹੋ ਜੋ ਅਮਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤੰਗ। ਅਸਲ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਫਾਰੂਕ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤੰਗ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਆਪਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਤੰਗ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤੰਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤੰਗ ਅਮਨ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤੰਗ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੇ ਪਤੰਗ ਵੇਖ ਲਈ। ਅਮਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਤੰਗ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੀ ਪਤੰਗ ਹੈ।
मैं कह रहा ना ये पतंग असा दी असा दी जाफर तू पागल है पतंग फाड़ दिती ले हुन तू ही फाड़ असा ने की किता ए ता तुसा ने पाड़ी है रख ला असा नु इंच क्यों महसूस हो रहा है कि मन असा दे बहुत करीब है एथे किते शायद इस पतंग दी वजह नाल आ देखो फारूक भाई जान भी आ गए ने तुसा दोवे भैन भरा भी ना कमाल दे हो एक पतंग सट दिंदा है ता दूजा फाड़ दिंदा है पानो पतंग ते कुछ लिखिया सी जाफर ने पढ़ने नहीं दिता तू ये छड ना असा हेठा जाना है दरगाह जान वास्ते फारूक जी लैन आ गए ने असा चलते मेरे मौला आपा पावे मुंह कुछ भी नहीं बोल रहे पर असा नु पता है कि उन्हां दे दिल विच की है तुसा उन्हां दे दिल दी मुराद पूरी कर दियो सब गड़बड़ हो गया यार मन लगा सी आज मैं जरीना नु देख लवां बैठो तुसा जरीना आंदी होनी जी शुक्रिया तुसे ही बैठ जाओ असा कोल किथे बैठन दा टाइम है जरीना दा निकाह होएगा ता घर दा सारा काम ता असा नु ही करना है वैसे भी असा दे पैरां च ता हुन बहुत दर्द होण लग गया असा सोच रहे सा इस्लामाबाद तो खास मालिश वाला तेल मंगवा लिए पर असा दा ता कोई इस्लामाबाद जान वाला ही नहीं है तुसा फिकर ना करो असा ले देंगे सलाम भाई जान सलाम किदा जाफर वधिया तुसा नु भी कुछ चाहिंदा होया ता दस दियो जो तुसा नु चंगा लगे तुसा ओही ले आना ठीक है सलाम फारूक जी तुसा नु कुछ भी लेने दी जरूरत नहीं है असा इधरो इलाके बाजार तो कुछ ले लवांगे एहो जी कोई गल नहीं जरीना जी ए भी ता असा दी परिवार है माशाल्लाह तुसा दे किन्ने नेक ख्याल ने मौला तुसा ते मेर रखे चलिए आओ चलिए जनाब तुसी इत्थे खड़े की वेख रहे हो कुछ नहीं जी मैं दरअसल नवा आया ते दरगाह जाने लई रस्ता लभ रहा सी ठीक है ए रास्ता जा रहा दरगाह नूं सीधा चले जाओ हाँ जी चाचा पुरानी दरगाह वाल ले चल
फारूक जी असा फकीर बाबे तो कुछ पूछना चाहते हैं मगर सानू इन गलों से यकीन नहीं आता तो सानू कुछ देना पवेगा इसलिए इनकार कर रहे हो ना बच्चा कोई गल नहीं अस इस बच्चे तो कुछ नहीं लैं फारूक जी थोड़ी चिर दिता गल है अस जल्दी गल खत्म कर लाँगे जिमें तुसा नहीं मर्जी तुम पूछ लवो जो पूछ असा इन्हें चादर ले आने कुछ बच्चा की पूछो जनाब इस दरगाह से ज्यादा लोग तो आते नहीं असा कोल सब तो वधिया बस एक ही चादर है हुण तुसा ही वेख लो ये चादर किन्नू लेनी है जनाब अगर तुसानू मंजूर होवे तो यह चादर असा ले सकते हैं दरअसल थोड़े दिनों विच असा दा निकाह है असा उस लई दुआ मंगण आए तुसा दा बीतिया होया कल ते आउण वाला कल आमणे सामणे मैं कुछ समझी नहीं बाबा जी ये तुसी किद्दां दी गल कर दित्ती मैं तो हमेशा दो प्यार करन वाले नूं मिलाउण दे पक्ष विच रहा ये चादर तुसी लै लो मैं तो अपने एक दोस्त लई दुआ मंगण आया सी पर प्यार ज़्यादा जरूरी है इसलिए ये मैं नहीं लै सकदा ये तुसी रख जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया वाली कोई गल नहीं मैं कोई होर चादर वेख लाँ जी तुसा भी अपने लिए हुण चादर ले लवो असा चलदे आं तुसानू मिल के बहुत वधिया लग्या बाबा जी तुहाडे प्यार नूं हमेशा सलामत रखो मेरा मनना यह है कि जे बंदे दा प्यार सच्चा होवे ना ते बंदा रब नाल लड़ के भी ना अपने प्यार नूं पा ले सच्चे प्यार च ना बहुत ताकत हुंदी जे बंदे दा प्यार सच्चा होवे तां इक ना इक दिन उसनूं जरूर मिलदा जी आवाली दस तुसा दा आउण वाला कल तुसानू बहुत बड़ी मुसीबत तो दूर ले जावेगा लगता है फारूक जी दे बारे गल कर रहे उन्होंने ता असां दे परिवार दी इन्नी मदद कीती तुसा दी मोहब्बत तुसानू सरहदा पार करवावेगी ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਦਰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਚਾਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ सामने वाली दुकान तो खरीद लेना तुसी मेरी दोस्त जरीना नू मैनू छेती तो छेती मिला दिओ
बस एक बार उन्हें दस दौ कि मैं वो इत्थे मुल्क आ गया, मैं उसकी हर परेशानी दूर करना चाहूँगा। या मेरे मौला, ये तुसा की चाहते हो? तुसानू तो चंगी तरह पता है ना कि अमन ते असां दा मेल नामुमकिन है, फिर तुसा ये खेड क्यों खेडते पे हो? या अल्लाह, फिर तो असानू ये झूठी उम्मीद ना दे।